बचपन की वो अमीरी ना जाने कहाँ चली गई, जब पानी में हमारे भी जहाज चला करते थे। सच तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा अपना दिल खुद ही दुखाते हैं। हम किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। वफादारी एक ब्रांड है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक़्त एक दिन खुद उसे साबित कर देगा। साथ ना देने वालों का तरीका वारदात ये है कि वक़्त पड़ने पर वो नाराज़ हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में खुद रोशनियाँ पैदा करो, यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफादार नहीं है। अगर इंसान की अज़ियतें और तकलीफ़ें उसके माथे पर लिखी होती तो जिन लोगों से तुम हसद करते हो उन पर तुमको रहम आता। ऐसे लोगों से बचें जो लोगों के सामने मजाक मजाक में आपकी इज्जत उछालते हैं और अकेले में आपके साथ मुखलिस होने का दावा करते हैं। हमें सच बोलना भी अच्छा लगता है, हमें सच सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा दूसरों के बारे में अपनी ज़िंदगी से हज़ार शिकायत थी मगर इस तस्वीर ने खामोश कर दिया। कभी कभी हमें किसी दवा की नहीं बल्कि किसी के अल्फाज की ज़रूरत होती है। बोलना चांदी है और खामोशी सोना। खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी के साथ दिल से मुखलिस हो कर काया हो। अच्छाई के लिए सिर्फ ये लाजिम नहीं कि लोगों के साथ सब कुछ अच्छा करते रहो, अच्छाई तो ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। कुछ यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। अजीब है इस दुनिया के लोग, बात को पकड़ कर इंसान को छोड़ देते हैं। यही है ज़िंदगी, जहाँ से चले थे वहाँ पर खड़े हैं। बेहिसी के दौर में एहसास वाले बड़े अनमोल होते हैं। टूटी कलम और दूसरों से जलन हमें अपनी किस्मत लिखने नहीं देती। जिस घर में बड़ों से मशवरा नहीं लिया जाता वह बाद में वकीलों से मशवरे लिए जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है किसी का दिल मेरी वजह से ना दुखे। मुझे अच्छा लगता है कि सब खुश रहे। मैं हंसी का सबब ना बन सकूं तो किसी के आंसू की वजह भी ना बनूं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, किसी को मजबूर करके अपनी तरफ मुतवज्जह करना गलत है। ज़िंदगी में अपने साथ रहना सीखिए।